हर हर महादेव एवरीवन, जय सियाराम भक्तों। चलिए जानते हैं आज 20 जून के दिन का हाल कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, और साथ ही जानेंगे आज के दिन की विशेषता। आज तीन राशि वालों को जबरदस्त लाभ होने वाला है, कुछ ऐसे ग्रहों के योग बन रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे जगन्नाथ प्रभु के विषय में। जी हाँ, आज जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलने वाली है जगन्नाथपुरी में, तो ऐसे में आप सभी भक्तों के लिए एक छोटी सी कहानी भी हो जाएगी प्रभु से रिलेटेड, प्रभु जी की ही। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर शेयर जरूर करें अपने इंस्टा एबीएन व्हाट्सएप ग्रुप में, और साथ ही लक्की नंबर लक्की कलर भी जानेंगे आप सभी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले आज के दिन की विशेषता, आज 20 जून है, दिन मंगलवार का है, और आज चंद्रमा अभी मिथुन राशि में है परंतु दोपहर में 4 बजे वो कर्क राशि में चले जाएंगे। ऐसे में कर्क राशि में चंद्रमा जाएंगे तो ऑलरेडी कर्क राशि में नीच के मंगल और शुक्रदेव विराजमान है। यहाँ पे मंगल और चंद्रमा की वजह से महालक्ष्मी योग का निर्माण होगा। मंगल भले ही नीच के हैं परंतु थोड़ा तो प्रभाव मिलेगा, और साथ ही शुक्रदेव और चंद्रमा की वजह से कलात्मक योग का निर्माण होगा। तो आज जिन भी बच्चों का जन्म होगा ना, ऐसे लोग काफी ज्यादा कलात्मक होंगे, इनके अंदर कोई न कोई एक टैलेंट अवश्य होगा, परंतु कहीं न कहीं इनको अपने ऐसे बच्चों के कैरेक्टर में कुछ कमियां देखी जाएंगी, इनका ध्यान ज्यादा भटकेगा। पर इसके फायदे हैं कि ऐसे लोगों जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा सुख शांति समृद्धि की बहुत ज्यादा प्राप्ति होगी, तो आज जन्म में बच्चे काफी भाग्यशाली होंगे। अब चर्चा करते हैं आज के दिन की विशेषता के विषय में। देखिए, आज जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकल रही है, तो ऐसे में आप सभी भक्तों को चाहिए यात्रा में अवश्य जाएं। ऐसा कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा की डोरी को खींचता है ना, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, प्रभु के धाम की प्राप्ति होती है। हर साल भर भगवान मंदिर में होते हैं, परंतु एक दिन ऐसा होता है जब एक साल में जब प्रभु मंदिर से बाहर आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। जी हाँ, तो कितनी अनोखी बात है ना। ऐसे में आप सभी भक्तों को चाहिए आज के दिन का भरपूर लाभ उठाएं। यदि आपके शहर में जगन्नाथ भगवान की यात्रा नहीं निकलती है, तो ऐसे में आप के साथ में यूट्यूब चैनल पे अपने यहीं पर और अपने इंस्टाग्राम पर भी वीडियो शेयर करूंगी, लाइव वीडियो होगी, आप अवश्य दर्शन का लाभ उठाएं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार सभी प्रेम से जगन्नाथ प्रभु के श्री चरण में प्रणाम करेंगे, माता सुभद्रा के और दाऊ भैया के श्री चरण में प्रणाम करते हुए चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले बात करते हैं आप मेष राशि वालों की। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि आज तीन राशि वालों को जबरदस्त लाभ होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले हमारी राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत सुंदर बना हुआ है, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में दोपहर में 4 बजे के बाद जब चंद्रमा जी का गोचर होगा, अभी चंद्रमा आपके पराक्रम भाव में मिथुन राशि में है, परंतु उनका गोचर जैसे ही यहाँ पर होगा चतुर्थ भाव में, आपके लिए सुख समृद्धि के साधन अपने आप मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। जी हाँ, यदि आप मकान वाहन खरीदना चाहते हैं सुंदर योग बनेंगे। यदि आप कलाकार पर्सन है तो यहाँ पर आपकी कला की और ज्यादा मान सम्मान मिलेगा, और साथ ही आपको भी समाज मान सम्मान की प्राप्ति होते हुए दिखाई दे रही है। केवल आपको एक बात याद रखनी है कि थोड़ा सा अपने क्रोध पर संयम बनाए रखें, माता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान बनाए रखने की आवश्यकता है। व्यवसाय की चर्चा करें, व्यवसाय में आपको धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं, भाग्य आपका पूर्ण रूप से आपको सहयोग कर रहा है। करियर की चर्चा करें तो करियर में भी आपके लिए पहले से स्थिति बहुत सुंदर बन चुकी है, जॉब मिलने के बहुत अच्छे चांस दिखाई दे रहे। यदि आप नई जॉब ढूंढ रहे थे, प्रमोशन के भी चांसेस बने हुए हैं। आज आपका विल पावर आत्मबल बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए भी दिन बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन की चर्चा करें, दाम्पत्य जीवन में सब मंगल ही मंगल लग रहा है। और लव लाइफ की चर्चा करें तो आज अपने लव मेट का अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं। आप मेष राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन लक्की नंबर 4 का जरूर प्रयोग करें, लक्की कलर आप सभी के लिए है व्हाइट कलर। अब चर्चा आप वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए काफी सुंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ भाग्य की स्थिति आपकी पहले से बहुत ज्यादा प्रबल हो चुकी है, भाग्य पूर्ण रूप से साथ मिल रहा है। दोपहर के बाद से समय बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके भाग्य को चंद्र शुक्र और मंगल तीनों ग्रहों की शुभ दृष्टि आ रही है। ऐसे में आपके रुके पुराने सभी कार्य पूरे हो रहे हैं, बिजनेस में आपको लाभ की स्थिति बनी हुई है। करियर में थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ कार्य करने वाले आपके अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, परंतु परेशान मत होइए, स्थितियाँ जल्दी ही बदल जाएंगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, आज अपने बुद्धि का प्रयोग करके अच्छे मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं। यात्राओं पर जाने का सुंदर योग बना हुआ है, धार्मिक यात्राओं की मैंने यहाँ बात की। दाम्पत्य जीवन में
पहले से बहुत ज्यादा मधुरता आ चुकी है। लॉ लाइफ की चर्चा करें तो आज अपने लॉ में कितना अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं। आप सभी वृषभ राशि वालों को चाहिएगी आज के दिन लकी नंबर 2 का जरूर प्रयोग करें। लकी कलर आप सभी के लिए है ब्लू कलर। चर्चा आप मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए काफी सुंदर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, धन लाभ के सुंदर योग बने हुए। धन लाभ कहाँ से हो रहा है आपको? आपके रिश्तेदारों की ओर से, आपके परिवार की तरफ से। आज आपको गिफ्ट मिलने के सुंदर योग बने हुए। आज आप इतनी मीठी वाणी बोल रहे हैं कि सभी आपके वाणी की तारीफ कर रहे हैं, आपके स्वभाव की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्यस्थल की चर्चा करें तो कार्यस्थल पर भी आज आपके कार्य से सभी प्रसन्न हैं, बॉस आपकी तारीफ कर रहे हैं। परंतु फिर से मैं यहाँ कहूंगी कि आप मिथुन राशि वालों को कुछ दिनों तक अपनी प्लानिंग को गुप्त ही रखना चाहिए, अन्यथा आपके किए हुए कार्यों को कोई दूसरा श्रेय ले जाएगा। व्यवसाय की चर्चा करें तो व्यवसाय में भी लाभ की सुंदर स्थिति बनी हुई है। यदि आप स्पोर्ट पर्सन है, कलाकार इंसान है, तो यहाँ पर आज आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप राजनीति फील्ड से हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन की चर्चा करें तो दाम्पत्य जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल है, परंतु हो सकता है कि ससुराल वालों की तरफ से किसी बात पर आपकी नोकझोंक हो जाए। दाम्पत्य जीवन के बाद चर्चा करते हैं लॉ लाइफ की। लॉ लाइफ में आज आपके रिश्ते बहुत ज्यादा मधुर हो रहे हैं। थोड़ा सा अपने इमोशन पे कंट्रोल करें और साथ ही अपने करियर पर भी ध्यान दें। आप विद्यार्थियों, दिन काफी सुंदर दिखाई दे रहा। आप सभी मिथुन राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन लकी नंबर 6 का जरूर प्रयोग करें। और लकी कलर आप सभी के लिए है पिंक कलर। चर्चा आप कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, आज 3 राशि वालों को लाभ की स्थिति बन रही है। जी हाँ, तो उसमें से आपकी एक राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों, आज मध्याह्न के समय के बाद में दोपहर के 4 बजे बाद जब चंद्रमा गोचर आपकी ही राशि में होगा, मंगल और शुक्र के साथ उनकी जब युति होगी, तो ऐसे में आपको यहाँ धन लाभ के जबरदस्त योग बनेंगे। साथ ही आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बहुत दिनों से चली आ रही कोई विश जो है अब वो पूरी होने वाली है। अब समझ ले, केवल आपको कर्म करना है और फोकस करना है अपने करियर पे, क्योंकि यहाँ आप लोगों का ध्यान बहुत ज्यादा भटक रहा है। ऐसे में आपको चाहिए कि आज जगन्नाथ भगवान को ध्यान करते हुए पूरे दिन जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी, जी हाँ, प्रभु के भजन का मंत्रों का जाप करते रहें। करियर की चर्चा करते हैं। करियर में आज आपके लिए प्रमोशन के सुंदर योग बने हुए। यदि आप ट्रांसफर चाहते थे तो उसके भी योग बन चुके, परंतु आज आपको थोड़ी सी भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ी, जिस वजह से संध्या समय तक आपके कमर के नीचे दर्द की शिकायत महसूस हो रही है। आपको अपनी आंखों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्पेशली लेफ्ट आई का। आपके पिताजी यदि विदेश यात्रा करना चाहते तो उसके लिए बहुत सुंदर योग बन चुके हैं। विद्यार्थियों के दिन मिला जुला परिणाम लेकर के आ रहा है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता ही मधुरता है, परंतु यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए हुए आवश्यकता है। लॉ लाइफ की चर्चा करें तो लॉ मेट के साथ आप बहुत सुंदर समय व्यतीत कर रहे हैं। उनके साथ बाहर घूमने जाने के प्लान में भी दिखाई दे रहे हैं। आप सभी कर्क राशि वालों के लिए आज का लकी नंबर है 4 और लकी कलर है व्हाइट। अब चर्चा सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला परिणाम लेके आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको यात्राएं करनी पड़ी। आज आपको कार्य अधिक ज्यादा करना पड़ा, थकावट भी महसूस हो रही, आपका ध्यान भी थोड़ा भटक रहा है, परंतु आज आपके लिए धन लाभ की बहुत सुंदर स्थिति बनी हुई है। अपने पराक्रम सूझबूझ के बल पर आज आपको धन लाभ की स्थिति बनी हुई है। काम के सिलसिले में आपको कहीं दूसरे शहर में जाना पड़ रहा है। यात्राओं में ध्यान रखिए अपने सामान को, अपने स्वास्थ्य का। दाम्पत्य जीवन में पहले से अब ज्यादा स्टेबिलिटी आ चुकी है, परंतु फिर भी अभी भी पूरी तरह से सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ है, तो दाम्पत्य जीवन पर ध्यान बनाए रखें। लॉ लाइफ की चर्चा करें तो लॉ मेट के साथ आप अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं। आपका पूजा पाठ धर्म कर्म कार्य मन भी लग रहा है। आप सभी सिंह राशि वालों को चाहिएगी माता दुर्गा को नीले कलर के फूल अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम सारी ना वो प्रॉब्लम आना बंद हो जाएगी। इस समय गुप्त नवरात्रि चले, गुप्त नवरात्रि का पूरी तरह से उपयोग करें आप। आप सिंह राशि वालों के लकी नंबर है 8 और लकी कलर आप सभी के लिए है रेड कलर। चर्चा आप कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, जैसा मैंने पहले वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि 3 राशियों का लाभ होने वाला था, उसमें से एक राशि अंतिम राशि आपकी है कन्या राशि वालों, क्योंकि यहाँ पर 4 बजे के बाद शाम को आपके लाभ स्थान में चंद्र मंगल और शुक्र की युति होने वाली है। ऐसे में यहाँ आपके लिए धन लाभ के सुंदर योग बनेंगे। साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन में चली आ रही समस्याओं का समाधान मिल जाएगा आपको। अपने संतान की तरफ से आपको कोई गुड न्यूज मिलने के योग बन रहे हैं, तो ये योग आपके लिए बहुत सुंदर आज बन रहा है। पूरे दिन का लाभ अवश्य उठाएं। अब चर्चा करते हैं आपके राशिफल की। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए काफी सुंदर दिखाई दे रहा है। धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं।
करियर की चर्चा करें तो करियर में चलिए आ रही प्रॉब्लम्स अभी भी थोड़ी चल रही, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रोध थोड़ा ज्यादा आ रहा है, झुंझलाहट थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है, परंतु संध्या समय बाद वो भी दूर हो जाएगी। आपको आज आलस से ज्यादा लग रहा है, ऐसे में आप सभी को चाहिए कि आलस का त्याग करके थोड़ा सा अपने काम पर फोकस अवश्य करें। स्टूडेंट्स के लिए दिन मिला जुला परिणाम लेकर के आ रहा है। दाम्पत्य जीवन की चर्चा करें तो अब दाम्पत्य जीवन मधुरता आना स्टार्ट हो जाएगी, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखने की आवश्यकता है। लव लाइफ की चर्चा करें तो आज आपके लिए दिन उत्तम दिखाई दे रहे हैं। लव मेट के साथ आप डिनर करने कहीं बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज का दिन बहुत सुंदर है। आप सभी कन्या राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन लकी नंबर 2 का जरूर उपयोग करें और लकी कलर आप सभी के लिए है व्हाइट कलर। चर्चा करते हैं आप तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। करियर की चर्चा करें तो करियर में आज आपको कोई गुड न्यूज प्राप्त होने वाली है। साथ ही आज आपके साथ काम करने वालों का व्यवहार भी आपके लिए जो बहुत दिनों से उतना उचित नहीं था, अब धीरे धीरे ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। बिजनेस की चर्चा करें तो बिजनेस में आपके लिए आपकी सुंदर स्थिति बनी हुई है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर के आप अभी भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थियों के दिन मिला जुला परिणाम लेकर के आ रहा है। आप सभी तुला राशि वालों को थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान बनाए रखने की आवश्यकता है। मकान वाहन खरीदने बहुत सुंदर योग बना हुआ है, कहीं न कहीं से धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप तुला राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन लकी नंबर 5 का जरूर प्रयोग करें। लकी कलर आप सभी के लिए ऑरेंज कलर। अब चर्चा आप वृश्चिक राशि वालों के। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन तो आपके लिए बहुत सुंदर है, क्योंकि आपके भाग्य में ही चंद्रमा गोचर होने वाला है मध्याह्न के बाद में। ऐसे में आपको हार्डवर्क थोड़ा ज्यादा करना पड़ रहा है, परंतु नाम यश कीर्ति की प्राप्ति भी होती हुई आपको दिखाई दे रही है। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते थे तो वहां पर सुंदर योग बन चुके हैं। यदि आप विदेश में रहते हैं तो यहां पर आपके लाभ की सुंदर स्थिति बन चुकी है। मकान वहां खरीदने के सुंदर योग बने हुए हैं, परंतु आज माता के स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। आज आपको हड्डियों में दर्द की तकलीफ महसूस हो रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। लव लाइफ की चर्चा करें तो यहां पर आज आपके लव मेट के साथ रिश्ते पहले से मधुर हैं, परंतु अभी भी यहाँ पर पीस ऑफ माइंड आपको नहीं मिल रहा है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप थोड़ा समय दें अपने रिश्ते को। आप सभी वृश्चिक राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन लकी नंबर 2 का जरूर प्रयोग करें। लकी कलर आप सभी के लिए ग्रीन कलर। चर्चा आप धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, आज का दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको थोड़ा सा सचेत रहने का दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर चोट चपेट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बने हुए हैं। सर्जरी के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आज आपको स्वास्थ्य की तकलीफ बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकती है। अपने पेट का स्पेशल रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। खान पान पे ध्यान बनाए रखें। करियर की चर्चा करें तो करियर में आज आपके लिए भाग्योदय की सुंदर स्थिति बनी हुई है। बिजनेस में लाभ की भी स्थिति बनी हुई है। पूजा पाठ धर्म कर्म कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। आज आप सभी धनुराशि वालों को चाहिए कि लकी नंबर 5 का जरूर प्रयोग करें। लकी कलर आप सभी के लिए है रेड कलर। अब चर्चा आप मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा शुभ परिणाम लेकर के आ रहा है, क्योंकि यहाँ आपके सप्तम भाव में चंद्र शुक्र मंगल का गोचर हो रहा है। ऐसे में व्यवसाय से जबरदस्त लाभ की सुंदर स्थिति बनी हुई है। यदि आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस करते तो यहाँ आपके लिए लाभ की स्थिति है। यदि आप रियल इस्टेट से काम करते तो यहाँ पे आपके लिए वहां से भी लाभ की स्थिति बनी हुई है। आज आपके कार्यों की सभी प्रशंसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूजा पाठ धर्म कार्य में आपका मन लग रहा है। दाम्पत्य जीवन की चर्चा करें तो जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं। परिवार के सदस्यों का पूरा समय देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ की चर्चा करें तो लव लाइफ में आज अपने लव मेट के साथ बहुत ज्यादा रोमांटिक मूड में है। आपको थोड़ा सा अपने करियर पे और फ्यूचर पर भी ध्यान देने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। साथ ही आपका ध्यान भी भटक रहा है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप जगन्नाथ प्रभु के रथ यात्रा की रथ की दूरी को अवश्य खींचे। आप मकर राशि वालों को चाहिए कि आज रथ यात्रा में जरूर सम्मिलित हो और ट्राई करें कि रथ की दूरी को खींचने का। आपके भाग्योदय के लिए बहुत सुंदर समय है ये। आप सभी मकर राशि वालों के लिए आज का लकी नंबर है 6 और लकी कलर आप सभी के लिए पिंक कलर। अब चर्चा कुंभ राशि वालों के। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने का दिन दिखाई दे रहा है।
धार्मिक यात्राओं पर जाने के सुंदर योग बने। विद्यार्थियों दिन बहुत सुंदर बना हुआ, व्यवसाय में भी लाभ की सुंदर स्थिति बनी हुई है। कार्यस्थल में थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है। आप सभी कुंभ राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन लकी नंबर 2 का जरूर प्रयोग करें। आप सभी के लिए लकी कलर है पिंक कलर। अब चर्चा आप मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, आज का दिन तो आपके लिए बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत सुंदर है। मन में थोड़ी सी चंचलता अवश्य है, परंतु यदि आपने कोई एग्जाम दे रखा तो वहां से मार्क्स आपके फिर बहुत अच्छे प्राप्त हो रहे हैं। यात्राएं करनी पड़ी, यात्राएं थोड़ी सी कष्टदायी है। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं। व्यवसाय में भी लाभ की सुंदर स्थिति बनी हुई है। करियर की चर्चा करें तो करियर में आपके लिए यहाँ प्रमोशन के सुंदर योग बने हुए। पैतृक संपत्ति मिलने का योग बन रहा है। मकान वाहन खरीदने का बहुत सुंदर योग बना हुआ है। आप सभी मीन राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन लकी नंबर 3 का जरूर प्रयोग करें। लकी कलर आप सभी के लिए है येलो कलर।